जिंदगी एक जंग है, जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो, हीरो हीरो तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए। कैसे काम चल रहा है ट्रिपल आर के फाइनल एडिट पर? क्या दिवाली पर आने वाला है ट्रिपल आर का पहला टीजर? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड स्टूडियोज में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। पैन इंडिया फर्म ट्रिपल आर जब से अनाउंस हुई है तब से ही खूब सुर्खियां बटोर रही है। ये फर्म इतने बड़े ग्रैंड लेवल पर बन रही है कि ये फर्म एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि दोस्तों 10 भाषाओं में रिलीज होगी। अगले साल जनवरी में रिलीज करने के लिए तैयार ट्रिपल आर को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के थियोरेटिकल राइट्स के लिए कुल मिलाकर 348 करोड़ रुपए का ऑफर मिला है। दोस्तों आंध्र प्रदेश में 165, तमिलनाडु में 48, मलयालम में 15 करोड़ और कर्नाटक में 45 करोड़ रुपए के साथ ये आंकड़ा कुल मिलाकर 348 करोड़ रुपए का है। ये सिर्फ कुछ भाषाएं हैं, जिसका साफ मतलब है कि ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुपर हिट हो गई है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, अब आप लोगों को बाहुबली का क्रेज तो याद ही होगा और केजीएफ के क्रेज का अंदाजा आप इसके सीक्वल से रिलीज होने के दौरान देख ही लेंगे। वहीं दोस्तों एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बन रही ट्रिपल आर के लिए फैंस अभी से ही एक्साइटेड है। साथ ही टीम को बॉलीवुड से भी भारी ऑफर मिल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहां के दर्शक भी उत्साह की भारी लहर का हिस्सा है। इस फिल्म में बॉलीवुड के दो बड़े सितारे आलिया भट्ट और अजय देवगन भी दिखने वाले हैं, और इसलिए इस फिल्म के लिए ये फिल्म काफी बस क्रिएट कर रही है। जूनियर एनटीआर और रामचरण स्टारर ट्रिपल आर लोगों की उम्मीदें बढ़ा रही है, और एसएस राजामौली फिल्म ट्रिपल आर के पोस्ट प्रोडक्शन काम में व्यस्त है। फिल्म शुरू से ही जिस तरह से चर्चा में रही है उससे बिल्कुल फिल्म की यूनिट बेहद खुश है। दोस्तों अब नई खबर में सुनने में आया है कि ये फिल्म की लेंथ थोड़ी ज्यादा है। फिल्म की कहानी को आराम से पेश करने के लिए राजामौली लंबे समय तक एक लंबी कहानी पर बात कर रहे थे। सुनने में आया है कि ये फिल्म की लेंथ 3 घंटे की होगी, यानी कि 180 मिनट के रन टाइम के साथ राजामौली फैंस और दर्शकों के लिए एक दमदार फिल्म पेश करने जा रहे हैं। लेकिन एक अहम सवाल ये भी उठता है कि क्या इतनी लंबी फिल्म कहीं ऑडियंस को बोर ना कर दे? लेकिन दोस्तों अगर फिल्म राजामौली की है तो उस पर संदेह कैसा, क्योंकि दोस्तों कहानी को बताने के लिए एक बड़ा रन टाइम है। डायरेक्टर राजामौली एक दिलचस्प अंतिम कट को प्रेजेंट करने की ओर काम कर रहे हैं। फिल्म में जूनियर एनटीआर और रामचरण के बीच की दोस्ती फिल्म का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट होने वाला है। जूनियर एनटीआर फिल्म में कोमराम भीम की भूमिका में नजर आने वाले हैं और रामचरण अल्लूरी सीताराम राजू के रूप में नजर आएंगे। आलिया भट्ट, अजय देवगन, राहुल रामकृष्ण, ओलिविया मॉरिस इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ट्रिपल आर अगले साल 7 फरवरी को संक्रांति सीजन से ठीक पहले सिल्वर स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुनने में आया है कि इस फिल्म का पहला टीजर दिवाली पर रिलीज करने वाले हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या आएगा दिवाली पर इस फिल्म का टीजर या फिर करना पड़ेगा हमें थोड़ा और इंतजार? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। हम फिर होंगे हाजिर एक नई वीडियो के साथ में।